अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश हमदेद कहते हैं स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जिन लोगों ने स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था या जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है वो आगे जा के फ़्यूचर में कौन कौन सी जॉब्स को ले सकते हैं किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है स्टूडेंट्स जिन जिन स्टूडेंट्स ने स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को लिया है जो या फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो वो इन इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं फ्यूचर में सबसे पहले वो जा सकते हैं मार्केट रिसर्चर के बारे में तो आगे जाके हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि मार्केट रिसर्चर कौन होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन सी हो सकती है दूसरे नंबर पे वो जा सकता है फाइनेंशियल एनालिस्ट के जॉब में तीसरे नंबर पे वो जा सकता है कॉस्ट एस्टिमेटर की जॉब में चौथे नंबर पर वो जा सकता है बिजनेस एनालिस्ट की जॉब में पाँचवें नंबर पर जा सकता है वो स्टेटिस्टिशियन की जॉब में छठे नंबर पे जा सकता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में सातवें नंबर पे वो जा सकता है इकोनॉमिस्ट की जॉब में आठवें नंबर पे वो जा सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब में नौवें नंबर पे वो जा सकता है ऑक्ट्री की जॉब में और दसवें नंबर पे वो जा सकता है डेटा साइंटिस्ट की जॉब में ग्यारहवें नंबर पे वो जा सकता है अकाउंटेंट की जॉब में और लास्ट है बारहवा नंबर जिसमें वो जा सकता है स्टॉक ट्रेडर की जॉब में तो स्टूडेंट्स जिन जिन स्टूडेंट्स ने फ्यूचर में स्टेटिस्टिक्स को सिलेक्ट करना है और इसमें मास्टर करने का उनका इरादा है वो इन बारह मोस्टली जॉब में अप्लाई कर सकते हैं वन बाई वन हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इन जॉब से मुराद क्या है और इन जॉब्स को ले कर वो कौन कौन से फ्राइज़ को सरजाम दे सकते हैं सबसे पहले है मार्केट रिसर्चर स्टूडेंट्स मार्केट रिसर्चर वो बंदा होता है जो मार्केट में देखता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की किस तरह से ट्रेड होती है सेल एंड परचेज किस तरह से किस टाइम पे कौन सी करनी है और किस टाइम पे वो ज्यादा बेनिफिट ले सकता है कहते हैं मार्केट रिसर्च एंड एनालिस्ट इंडस्ट्री रिलेटेड कंडीशंस टू फोरकास्ट सेल फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कहता है कि आपने प्रोडक्ट की सेल्स को सर्विसेज को देखना है कि किस टाइम पे आपने नुमायाँ सेल और परचेज करनी है यानी कि गर्मियों के मौसम का जब आगाज़ होता है तो उससे पहले जो रिसर्चर है वो रिसर्च करता है कि इस टाइम पे वो चीज़ें प्रोड्यूस और सेल करनी चाहिए कि जिनका तलक गर्मियों से है इसी तरह से गर्मियों में सर्दियों की जो प्रोडक्शन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी और सर्दियों में जो गर्मियों की प्रोडक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगी दीज प्रोफेशनल्स मोनिटर्ड है। यही बात हमने की है कि वो को देखेगा टाइम के ट्रेंड को डिमांड के ट्रेंड को डिमांड ज्यादा है और किस टाइम पे कौन सी चीज की सप्लाई उसने ज्यादा करनी है तो ये मार्केट रिसर्चर की जॉब होती है इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जॉब है हमारे पास फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब में कहता है कि, फाइनेंशियल एनालिस्ट असिस्ट इंडिविजुअल बिजनेस एजेंसीज एज देर कंसिडर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट मदद करता है इंडिविजुअल्स को बिजनेस को एजेंसीज को कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को किस जगह पे लगाएं दे एसिस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड फॉर एंड फॉरकास्ट फ्यूचर मार्केट आउटकम यूजिंग स्टेटिस्टिकल नॉलेज टू गैदर एंड एनालिसिस रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा वो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है वो स्टॉक और बॉन्ड की फोरकास्ट करता है कि आने वाले वक्त में किस टाइम पे स्टॉक की कीमत ज़्यादा हो जाएगी किस टाइम पे बॉन्ड की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो उस टाइम पे वो उसको परचेज और सेल करता है ताकि फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल किया जा सके इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टीमेटर कॉस्ट एस्टिमेटर का मतलब ये है कि जिस चीज़ पर अगर आपने कोई चीज बनानी है तो आपने उसमें कॉस्ट को एस्टीमेट करना है यानी कि उस चीज पे उस बिल्डिंग पे उस बिजनेस पे कितनी कॉस्ट आएगी कितना खर्चा आएगा उसको एस्टीमेट करना होता है कॉस्ट एस्टिमेट गैदर एंड एक्सेसिस डेटा सो दे कैन फोरकास्ट द ओवरऑल प्राइस ऑफ कम्प्लीटिंग ए प्रोजेक्ट जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है वो उस पर ओवरऑल वो फोरकास्ट करेगा इसमें फ्यूचर में कितनी कास्ट आ सकती है डेवलपिंग ए प्रोडक्ट और ऑफरिंग ए सर्विस इन एनालिसिस कास्ट एस्टिमेटर टिपिकली कंसिडर मोर देन मोनिट्री कास्ट जो कास्ट एस्टिमेटर है वो मोनिट्री कास्ट से ज्यादा कास्ट वो उसका बजट देता है क्योंकि उसमें टाइम का और लेबर की कास्ट का वो लाजमी से फैक्टर आना है क्योंकि फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन होगी तो कास्ट अगर बढ़ गई तो ऑलरेडी वो मोनिटरी जो कास्ट है वो उससे ज्यादा वो कास्ट वो ऑफर करता है इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट है बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट में कहता है कि आल्सो नोन एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ये आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का दूसरा नाम होता है बिजनेस एनालिस्ट स्पेशलाइज इन स्पेशन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी दे एक्सेसिस बिजनेस प्रॉब्लम कलेक्ट रियलेटिंग डेटा एंड डिवाइस मैथड फॉर एनालिसिस इशू एफिशेंसी जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो रेलिवेंट डेटा है उनको कलेक्ट करते हैं और फ्यूचर में जो मसले आने हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं ये स्टूडेंट ये सारा के सारा आपका स्टेट्स के डिपार्टमेंट का काम होता है नेक्स्ट आपके पास जो जॉब है वो है स्टूडेंट आपके पास स्टैटिस्टिशियन स्टेटिस्टिशियन रिलाई ऑन मैथमेटिकल टेक्निक्स टू एनालिस डेटा और ऑल काइंड कैलकुलेटिंग इंफॉर्मेशन सच एज रिलबलिटी ट्रेंड्स एंड एवरेजिज स्टन का काम होता है कि मैथ की टेक्निक को यूज़ करके सारी की सारी आपके पास जो कैलकुलेशन होती है वो उनको उनकी ट्रेंड्स को उसकी एवरेज को देखता है फॉर एग्जाम्पल स्टेटिस्ट माइट बी इम्प्लॉयड बाई द फेडरल गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर सेंसिस डेटा जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो आपके जो डेटा होगा उसको डील करने के लिए स्टेटिस्ट को अपॉइंट करेगी या फिर आर एन मोटिव कंपनी टू एक्सेस हाउ वेरियस कार इंजन परफॉर्म अंडर एक्सट्रीम हीट और कोल्ड या फिर जो कार इंजन है उसको उसकी हीट और कोल्ड को एस्टिमेट करने के लिए ऑटोमोटिव जो कंपनीज हैं वो भी आपके स्टेटिशियन को हायर कर सकती हैं इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशलाइज इन स्टोरिंग कैटेगरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन जो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आपके डेटा को स्टोर करता है कैटेगराइज करता है ऑर्गेनाइज करता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग डेटा वाया बैकअप एंड रिस्टोरेशन वो आपके डेटा को उसको उसका बैकअप रखता है और इसको डेटा को अगर वो डिलीट हो जाए या फिर कोई और मामला हो जाए तो उसको रिस्टोर के भी फैसिलिटी देता है एंड दे आल्सो मेंटेन एंड अपडेट डेटा सिक्योरिटी और जो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेटा को मेंटेन भी करता है उसको अपडेट करता है और इसकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करता है इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टैट के स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं इकानमिस्ट एग्जामीन इश्यूज रिलेटेड द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिसोर्स सर्विस एंड गुड्स विद इन द मार्किट प्लेस जो इकानमिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो आपके गुड्स को सर्विस को मार्किट प्लेस को वो प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि उनका काम होता है उसको गुड्स एंड सर्विसज को पैदा करना और तकसीम करना दे स्पेशलाइज इन रिसर्चिंग मार्किट ट्रेंड्स कोलेक्टिंग डेटा एंड यूजिंग स्टेटिस्टिकल मॉडल टू परफॉर्म इकॉनमिस्ट नीड स्ट्रॉग डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकली थिंकिंग स्किल्स टू असिस्ट इंडिविजुअल्स कॉरपोरेशन एंड एजेंसीज जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका सबसे बड़ा काम होता है डिसीजन मेकिंग करना प्रॉब्लम सॉल्विंग करना और जो चीज आपने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है उस पर काम करके ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा अर्निंग करना और जो भी मसले मसाल आते हैं उनको खत्म करना इसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर एंड डिवेलपर्स ओवरसीज डा सर्टन टू कंप्यूटर क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड नेटवर्क सिस्टम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को उसकी एप्लीकेशन को नेटवर्क सिस्टम को बनाते हैं दे अप्लाई देयर स्टेटिस्टिकल एक्सपर्टीज बाई गैदरिंग डेटा टू अनालिसिस द नीड्स ऑफ यूजर बिफोर मैनेजिंग डेवलपिंग एंड टेस्टिंग वो आपके डेटा को ले कर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको बना सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज मॉडल्स टू क्रिएट एप्लीकेशन मैप जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो मैप्स बनाते हैं डेवलप द टेस्ट प्रोग्राम प्रोग्राम्स को टेस्ट करते हैं रिकमेंडेड इफेक्टिव अपडेट एंड स्ट्रेटजीज एंड प्रोवाइड ऑन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको दे सकते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट ऑप्टी ऑप्ट्री से मुराद ये है कहते हैं रिस्क एंडसर्टेनटी आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ द एंड ऑक्टरी जो रिस्क है और अनसर्टेटी यानी कि गैर मतवक जो सिचुएशन है वो ब्रेड और बटर की एग्जाम्पल है दीज लेवल प्रोफेशनल रिले ऑन स्टेटिस्टिकल रिसर्च एंड एनालिसिस टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रिस्क फॉर दियर क्लाइंट्स जो ये ऑक्टरी लोग वो होते हैं जो मार्किट में बैठ के इंश्योरेंस वो देते लेते हैं और जब भी किसी टाइम पर रिस्क आ जाए वो रिस्क के बदले में वो प्रीमियम वो लेते हैं यानी कि जहां पे वो आपको इंश्योरेंस के उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट uh, के बदले में आपसे प्रॉफिट अर्निंग करते हैं इसके बाद है डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंटिस्ट से हम ये डेटा साइंटिस्ट रिव्यू फिगर्स एंड स्टेटिस्टिक्स इन रिसर्च इन साइड एंड कंक्लूजन जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो भी आपके जो फिगर्स होती हैं जो स्टैट्स की उसमें जो लार्जर पोटेंशियल होता है स्मॉलर पोटेंशियल होता है उसका बेनिफिट्स जो होते हैं पैटर्न जो होता है वो उसको देख के आपके बिज़नेस को वो जज करता है और उसको एस्टिमेट करता है इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेंट अकाउंटेंट का मतलब ये है कि जो लोग स्किल्स और लॉजिकल और मैथ के बेस पे कंपनीज को इंडिविजुअल्स को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं और उनको फाइनेंस उनका जो है मोर एक्ोरेट एफेक्टली बनाते हैं उनको आप अकाउंटेंट कह सकते हैं और लास्ट है आपके पास स्टॉक ट्रेडर स्टॉक ट्रेडर वो लोग होते हैं थ्रू रिसर्च एंड कैलकुलेशन दे एस्पायर टू प्रिडिक्ट देश टाइम टू प्राइस एट विच दे बाय एंड सेल द ट्रेड स्टॉक बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स स्टॉक ट्रेडर में वो लोग आते हैं जो अच्छा टाइम दे के स्टॉक को मतलब के बॉन्ड्स को शेयर्स को ख़रीदते और बेचते हैं और इनसे प्रॉफिट अर्न करते हैं ये आपके पास स्टॉक ट्रेडर होते हैं तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक की कुछ ना कुछ समझ आई होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है